पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। ममता ने कहा, बीजेपी विशेष रूप से कल का दिन चुना है क्योंकि आज से रमजान शुरू हो गए। उन्होंने कहा, इस CAA का सीधा संबंध NRC से है, ये मत भूलिए, ये कानून NRC से संबंधित है। ममता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल में NRC डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं देंगे, हम किसी को भी बंगाल में लोगों के अधिकार छीनने की इजाजत नहीं देंगे, इसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। CM मंगलवार को ये उत्तर 24 परगना को हावड़ा में सरकारी कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। ममता ने कहा, बीजेपी आने वाले दिनों में अशांति का खेल खेलने की कोशिश कर रही है, मुझे ये बात आपको स्पष्ट करनी है, ये भारत की धर्मनिरपेक्षता की जड़ों पर सीधा हमला है। CAA का नियम भी स्पष्ट नहीं है। NRC के नाम पर उन्होंने 13 लाख बंगालियों को बाहर कर दिया है, उनमें से कई ने आत्महत्या कर लिए। CM ममता ने आगे कहा, आप मुझे बताएं, आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी की दुकानें हैं या नहीं, जैसे ही आप आवेदन करेंगे आपको अवैध नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। पहले DM कार्ड जारी करते थे, अब ये काम BJP के हाथ में चला गया, एक वोट के लिए आप सब कुछ खो देंगे। ममता का कहना था कि आप वोट डाल पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल में है। उत्तर पूर्व के लोग मुस्लिम और हिंदू रो रहे हैं क्योंकि 13 लाख बंगाली हिंदू को बाहर कर दिया गया है। आपने मतुआ समुदाय का आधार कार्ड क्यों मान्य किया था, उन्होंने आधार कार्ड ले लिया है, अब कहा जा रहा है कि उन्हें जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मेरे पास अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ धोखाधड़ी है जो जश्न मना रहे हैं। कृपया कानून पर गौर करें क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत कम लोगों को इसका पता है। जिन लोगों को नागरिकता नहीं मिली है उन्होंने डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा, मैं किसी भी डिटेंशन कैंप की इजाज़त नहीं दूंगी, मैं अन्य राज्यों से भी इस पर विचार करने के लिए कहूंगी। ममता ने कहा, जैसे ही नोटिफाई करेंगे आप अवैध हो जाएंगे और आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सब कुछ पूरी तरह से धोखाधड़ी है। आप जानते हैं कि कितने चर्च जलाए गए हैं, मणिपुर में कई महिलाओं को नग्न कर दिया गया, तब BJP नेता कहाँ थे। ममता ने आगे कहा, क्या आपने कभी धर्म के आधार पर नागरिकता के बारे में सुना है, ये मानवता का अपमान है। ममता ने आगे कहा, मैं अपने राज्य में किसी को किसी का हक नहीं लेने दूंगी, मैं NRC की इजाजत नहीं दूंगी, मैंने कानूनी राय ले ली है, CAA और नियम कई कारणों से सवालों में है। अप्रवासियों को ये घोषित करना होगा कि वो अवैध हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं उन्हें NRC का सामना करना पड़ेगा, ये मुसलमानों पर भी लागू होता है, आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वे मीटिंग में कहेंगे कि कुछ नहीं लेंगे, लेकिन बाद में आप पाएंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है, मौलिक अधिकारों के तहत CAA असंवैधानिक है। ममता आगे कहती है, जातिगत आरक्षण पर कोई स्पष्ट नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो क्या आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल पाएगा, ईसाई मुसलमानों और बंगाली को बाहर करने के लिए ये नाटक किया गया है। हम सभी नागरिक हैं, क्या आप वोट देंगे, क्या आप कॉलेज जाते हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र मिला है, याद रखें अगर आपको अवैध अप्रवासी कहा जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी। ममता के इस CAA वाले बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।